नमस्ते एंड हेलो टू वन एंड ऑल. दिस इज फरियाल सैयद फ्रॉम माजा साम्राज्य वेलकमिंग यू ऑल टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आकांक्षा अनलिमिटेड. पुलिस की वर्दी के सितारे मुझे आज भी लुभाते हैं क्योंकि ये पुलिस वाले ही हैं जो समाज को रहने के लायक बनाते हैं. क्या कभी आपने ये सोचा है कि पुलिस की वर्दी का रंग खाकी क्यों होता है? क्योंकि ये रंग है उस मिट्टी का जहां हर पुलिस वाला हंसी खुशी देश के लिए मिलने के लिए तैयार रहता है और अपने दुश्मन को उस मिट्टी में मिलाने के लिए हमेशा तैयार रहता है. आज माजा साम्राज्य के आकांक्षा अनलिमिटेड में हमारे साथ मौजूद है वो हस्ती जिन्होंने अपने काम से अपना नाम किया. इन्हें अनगिनत पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे इंसिग्निया गोल्ड मेडल, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अवार्ड और 171 अवार्ड इन्हें मिले हैं इनके काम के लिए. हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एंड आईपीएस ऑफिसर बीजे शेखर सर, कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम नवी मुंबई. सर, आपने आपके इतने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए आकांक्षा अनलिमिटेड पर आप आए हो, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट. सर, सबसे पहले तो क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पुलिस डिपार्टमेंट को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी आपने क्यों चूज किया? करियर अपॉर्चुनिटी क्यों चूज किया? अच्छा, मैं बेसिकली प्रोडक्शन इंजीनियर हूँ. मेरा जो ग्रेजुएशन है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है और मैं बजाज कंपनी में पुणे में काम करता था. उस टाइम में कुछ इंसिडेंट्स हुआ. वहाँ इंसिडेंट ऐसा था कि कोई लेबर की मशीन में काम करते वक्त उसकी डेथ हो गई. तो दैट टाइम वहाँ एक इंस्पेक्टर आए थे. प्रोडक्शन मैनेजर जो है उन्होंने उनको जिस तरीके से रिस्पेक्ट दिया या जिस तरीके से उनसे बिहेव हुआ वो काफी एक चैलेंजिंग था. और दूसरा, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट और आर्मी का बड़ा शौक था पहले से, वर्दी का शौक, इसलिए मैंने पुलिस डिपार्टमेंट चॉइस किया. सर, आप इतने अनुभवी है और यू आर ऑल्सो अ सीनियर ऑफिसर, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके हिसाब से एक सच्चे पुलिस ऑफिसर का समाज के प्रति क्या कर्तव्य होता है? पहला तो आम जनता को एक विश्वास मिलना चाहिए पुलिस के बारे में. और उनका जो लाइफ है, उनका जो जीवन है, वो स्थिर स्थिति में होना चाहिए. जो भी अनसोशल एलिमेंट है या उनका प्रोटेक्शन है, वो पुलिस के पुलिस डिपार्टमेंट से उनको अपेक्षित रहता है. आम जनता को ये लगता है कि वो निर्भर रहे, उनकी सुरक्षा ठीक ठाक से होए और उनका जीवन जो है वो सुस्थिति में वो बिताना चाहते हैं. सर, आप एक आईपीएस ऑफिसर है, आपने आईपीएस एग्जाम 2003 में क्वालिफाई किया, वो ये एक बहुत बड़ी डिग्री है और इस डिग्री के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है. लेकिन उसके बाद भी आपने बीए इन मैकेनिकल, एलएलबी किया है, डिप्लोमा किया है जर्नलिज्म, साइंस, ह्यूमन राइट्स में एंड इवन पीएचडी, दैट इज डॉक्टरेट इन क्राइम डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन. तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड सो मेनी डिग्रीज और इतने टाइट शेड्यूल में आपको ये सारी डिग्री अचीव करने का मौका कैसे मिला? पुलिस ऑफिसर का बनने के लिए बेसिक क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन बनता है. उसके बाद में जैसे कि आईपीएस ट्रेनिंग है या उनका ट्रेनिंग मॉड्यूल है, वो उस तरीके से ट्रेनिंग ले लेते हैं. लेकिन मेरे तरफ से मुझे ऐसा कहना है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर हो, उसको उसके कंसर्न डिग्री जो है, जैसे कि एलएलबी है, लॉ का अच्छा सा मास्टर होना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर का भी मास्टर होना चाहिए, उसको पब्लिक रिलेशन भी आना चाहिए, उसको जर्नलिज्म भी पता चलना चाहिए, उसको अलग अलग, मतलब फॉरेंसिक मेडिसिन है जिसमें मैंने डिप्लोमा किया है, या मास कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन टेक्निक का अगर अच्छा रहा तो पुलिस ऑफिसर कैन पब्लिक को एक अच्छा तरीके से भरोसा दे सकते हैं, उनके साथ में अच्छा जनसंपर्क कर सकते हैं. और
ये कामकाज के लिए एज अ सीनियर ऑफिसर वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है, जहाँ कि हम लोग भरोसा देते हैं आम जनता को सुरक्षा के बारे में, कानून और सुव्यवस्था रखने के बारे में। इस तरीके से ये करने के लिए, पुलिस का कामकाज करने के लिए ये जो दूसरी डिग्रीज है वो काफी उसमें उपयोगिता उसकी साबित होती है। सर, यू आर ऑल्सो अ राइटर, शोध फोर्थ एडिशन, प्रतिशोध, प्रबोधनी संकेत, पुलिस अमलदारांशी, कर्तव्य थर्ड एडिशन, ये सारे आप ही के बुक्स है जो पब्लिश हुए हैं। और आपने क्लास इंटरव्यू में ये कहा था कि समाज के लिए हम जो काम करते हैं, हमें समाज के समाज को सच्चाई बताना चाहिए। तो और जितने भी बुक्स आपने लिखे हैं वो सब सच्ची घटनाओं पे आधारित है, तो क्या ये लिखने का शौक आपको पहले से ही था, या सिर्फ समाज को सच्चाई बता सके इसके लिए आपने ये नए टैलेंट को आपके अंदर जन्म दिया? मैं जब स्कूल में था, मेरा छोटा सा गांव है चास करके, उस शिवनेरी के बाजू में जहाँ शिवाजी महाराज का जन्म हुआ उनके बगल में है गांव। तो मैं जब ये स्कूल में था तो मुझे एक लिखने का मतलब नेचुरल जो था, निसर्ग वर्णन या उस टाइप का स्टोरी लिखने का, इनसे राइटिंग में काफी अच्छा लगता था, तो मेरा इनबिल्ट उसमें था ही। लेकिन जब मैं पुलिस में आया तो देखा आम जनता की तरफ, जितने भी हमारे गुने होते हैं, गरीब गरीब से गरीब आदमी के साथ से लेके अमीर आदमी तक पुलिस का संपर्क रहता है या पुलिस को उनके कांटेक्ट में आना पड़ता है, कोई ऑफेंसेस हो, लॉयल कायदा सुव्यवस्था हो, जनसंपर्क हो या अलग अलग प्रसंग हो, उसमें वो पुलिस के साथ में जनता के साथ जनता को जोड़ने के लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये होने के लिए हमको मतलब ये सच्चाई जो है हम लोग देखते हैं हर एक में, कोई भी घटना हो उसमें वो आदमी का पूरा जीवन चरित्र जो लिखा है वो पूरा उसमें हेलो हाँ यस सर वो आदमी का जीवन चरित्र जो है वो संभालने की कोशिश करना चाहिए पुलिस ऑफिसर ने, क्योंकि जो भी है वो बहुत कुछ बताता है। और ये सच्चाई अगर समाज के सामने आई तो समाज को भी एक अच्छा विकसित होने के लिए और अच्छी दिशा से प्रगति करने के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। सर, जब हम खाकी वर्दी की बात करते हैं तो देशभक्ति आ ही जाती है, बट यू आर अमॉन्ग द लकीस्ट वन जिनको ये मौका मिला कि वो इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर को जाकर सर्व करे, एंड इसके लिए इवन यू गॉट अ यूएन पीस कीपिंग अवार्ड फॉर दैट। ये कैसे पॉसिबल हुआ एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन दिस? पीस कीपिंग अवार्ड के बारे में जो है, हम लोगों ने आई वाज इन यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में, ईस्टर्न यूरोप में काम करता था, तो यूनाइटेड नेशन का मिशन था ईस्टर्न यूरोप में। वहां पे दो समाज में काफी दंगे होते रहते थे और एक बड़ा उनमें से बड़ा हादसे में करीबन 2 लाख लोगों की डेथ हुई थी। तो उसमें वहां का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, वो पूरा कोलैप्स हो गया। यूनाइटेड नेशन ने फिर इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर्स का सिलेक्शन करके वो मिशन को जारी रखा। उस मिशन में हम लोग थे, हम जब भी वहां पे काम करते थे तो हमारे टाइम में भी बड़े 2-3 राइट हो गए, उसमें 6 इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर मारे गए। हम लोगों ने दोनों समाज में, वहाँ पे कुछ मुस्लिम्स थे और कुछ क्रिश्चियंस थे, इन दोनों समाज में बड़ा तेड़ था, उन संघर्ष मिटाने के लिए काम किया, इसलिए यूनाइटेड नेशन ने हम लोगों को पीस कीपिंग अवार्ड दिया और दोनों मेडल हमारे यूनाइटेड नेशन से। सर, ये यूनाइटेड मिशन के इसमें आपके द्वारा इन्वेंट किया गया, खुद के द्वारा क्राइम क्लॉक इसे भी सिलेक्ट किया गया था, तो ये क्राइम क्लॉक का आइडिया आपको कैसे आया एंड हाउ डज दैट वर्क? मैं यूगोस्लाविया का जो फॉर्मर यूगोस्लाविया और एक प्रिजन कर गए कैपिटल का, वहां पे इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर के लिए काम करा, तो अपने भारत में अपने देश में जितने भी चोरी होती है या प्रॉपर्टी ऑफेंस होता है उसका तरीका काम करने का, और वो क्रिमिनल का मोडस ऑपरेंडी स्केल ऑफ ऑफेंस और वहाँ का, उसमें क्या डिफरेंस है,
मुझे थोड़ा सा पहले से ही क्राइम डिटेक्शन में काफी इंटरेस्ट था। इट्स माय हॉबी। मैंने इंटरनेशनल एज ए इंटरनेशनल पुलिस ऑफिसर के रीजनल चीफ ऑफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन, मेरे साथ में कुछ अमेरिकन थे, जर्मन्स भी थे इंटरव्यू के लिए, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो एज ए रीजनल चीफ ऑफ क्राइम मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कि हम लोग कुछ ऐसा डेरिवेशन या कुछ अच्छा सा इन्वेंशन वो अमेरिकन लोगों को, अमेरिकन ऑफिसर को इम्प्रेस करने वाला है जो अपने भारत में हम लोगों ने तैयार किया। तो क्राइम क्लब पैटर्न की जो आइडिया थी उनको काफी अच्छी तरह से पसंद आ गई, और इट मेक्स अ डिफरेंस। वहां पे इसका इस्तेमाल करने के बाद में क्राइम प्रिवेंशन काफी अच्छा था। ये ऑल प्रेज डिजिटल। सर, बॉम्बे ब्लास्ट जो 1983 में हुआ था, उसके क्रिमिनल शाहनवाज जो टाइगर मेमन के साथ कनेक्टेड थे, डॉक्टर फारूक अंसारी जो एक कमिटेड फंडामेंटलिस्ट और मास्टरमाइंड मैन्युफैक्चरिंग क्रूड बम में थे, वैसे ही रफीक ताऊ और रेडिस टेररिस्ट जमील अहमद, ये बड़े बड़े नाम जो क्रिमिनल्स और टेररिस्ट केस में आते हैं, इनको पकड़ने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और जब टेररिज्म की बात आती है तो पूरा देश एक साथ होता है, इसके खिलाफ खड़ा होता है, तो ये ऐसे वक्त पे पुलिस के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे वक्त पर आप लोग संयम बरतते हुए इतने सारे सफलतापूर्वक काम आपने कैसे पूरे किए, और इतने बड़े केसेस में आपका योगदान रहा है, इससे आपको कैसे फील होता है? देखो, कोई भी देशभक्ति का काम हो तो एक ध्येय निश्चित होता है, और जब ध्येय की तरफ हम लोग अपना खुद का इस्तेमाल करके मतलब ध्येय की तरफ बढ़ते हैं तो 100% हमको ऐसा ये नहीं लगता, कोई फियर महसूस नहीं होता। हमारा उद्देश्य एक ही रहता है कि देश की सेवा करना, या अच्छी तरीके से जिस अनटॉवर्ड एलिमेंट्स है, सोशल एलिमेंट्स है, जिन्होंने ये देश को गद्दारी करके कुछ काम किया होगा, तो उनको डिटेक्ट करना हो तो फर्ज बनता है। और जब देशभक्ति का सवाल आता है उस तरफ हम अच्छी तरह से अपना सहयोग देते हैं, और उसमें कितना भी प्रेशर रहा तो महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारा ध्येय जो है उसकी एक निश्चित तरह से एक दिशा रहती है, उस तरफ हम भागदौड़ करते हैं। सर, जब आप इस अकोला डिस्ट्रिक्ट में थे 1997 में, वहां पर बहुत बड़ा दंगा हुआ था, कम्युनल राइट्स हुए थे, और दंगों के टाइम पे माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ रहता है, तो आपने उस स्थिति को कैसे मेंटेन किया? और अगर फ्यूचर में ऐसी स्थिति कभी आती है तो आप आपके जूनियर्स को क्या सलाह दोगे कि मतलब इस स्थिति को कैसे मेंटेन किया जा सकता है? अकोला में कम्युनल राइट हुआ था, तो बहुत बड़ा कम्युनल राइट था 1997 में। तो उस टाइम में अकोला सुप्रीम इंचार्ज था, तो उसमें दो समाज के बीच एक इंसिडेंस हुआ था उसके कारण, और रमाबाई अंबेडकर नगर में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की पुतला की विटंबना हुई थी, वो सिलसिले में वो पार्श्व में बहुत बड़ा राट। तो उस टाइम में हम लोगों ने सभी को पहले उनके जो लीडर्स थे उनको समझा दिया था कि आप ये तो घटना जो है उसका हम लोग निषेध करते हैं, आप जनता निषेध करते हैं, लेकिन आप कानून हाथ में मत लो। उसी टाइम में दोनों समाज आपस में झगड़ने लगे, संघर्ष करने लगे। उस टाइम में हम लोगों ने कायदा और सुव्यवस्था, कानून और सुव्यवस्था रखने के लिए अच्छी तरह से मतलब जितना भी हमको कानूनी कार्रवाई करना था वो कार्रवाई किया। उसके बाद में जो पीड़ित थे उनको हम लोग मिले, और दोनों समाज के, हमें तो हर एक मोहल्ले में जाके वहां पे उनको भाषण दिया, सबको समझाया कि क्या गलत है क्या अच्छा है, और समाज के लिए आप सबको यही रहना है, यही शहर में रहना है। हम लोग तो पराए हैं, 2-3 साल के लिए हम जॉब करके से निकल जाएंगे, लेकिन आपको शांति से रहना है, अमन से रहना है। इसलिए वो सभी को समझा के, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर साहब का तत्व ज्ञान, छत्रपति शिवाजी महाराज का तत्व ज्ञान, ये सब उनको समझा दिया। और जहाँ पे रॉयड में हम लोगों को लाठीचार्ज करना पड़ा, फायरिंग करनी पड़ी, उसी जगह 10,000 लोगों ने मेरा सेंड ऑफ किया,
प्यार से मुझे सेंड ऑफ दिया। इट वाज अ बिग अचीवमेंट इन माय लाइफ। एग्जैक्टली सर, आप वो दबंग किरदार हो जो अपनी वर्दी के काम के प्रति हमेशा अपनी जान को हथेली में रखते हो। मैं ये इसके लिए कह रही हूँ क्योंकि हमें पता है कि 2 बार डकैतों की टीम को पकड़ने में आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और आप सीरियसली इंजर्ड भी रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके काम रुके नहीं। आपने आज तक 32 टीम्स ऑफ डकैतों को पकड़ दिखाया है और वो मामूली डकैत नहीं थे, बड़े बड़े जो क्रिमिनल्स थे वो उसमें शामिल है। तो ऐसे वक्त पर सर, क्या जान का खो देने का खतरा आपको सताता नहीं है? एंड फैमिली आपको ऐसे वक्त पे कैसे सपोर्ट करती है? कुछ घटना तो इतनी इंटरेस्टिंग रहती है जैसे फिल्म स्टाइल रहता है। बैकोला में जब भी था तो एक बड़ा डॉन था वहाँ पे, वो स्मगलिंग भी करता था और बाकी बहुत सारे इलिसिट धंधे में उसका सहयोग था। तो उसने एक मर्डर किया, तो उसको अरेस्ट करने के टाइम में जब भी अरेस्ट किया तो मेरे घर पे भी फैमिली को धमकी के फोन आया कि तुम्हारा सुहाग उजाड़ दूंगा। तो हम लोगों ने उसको रिटेली कर दिया कि ऐसे लोगों को टॉलरेट नहीं करना है। उनको कड़ी से कड़ी सजा सुनाने के लिए हम लोगों ने बड़ा जबरदस्त एक्शन लिया। तो ऑटोमेटिकली वो सब खत्म हो गए। मैं जब नगर डिस्ट्रिक्ट में था एज अ अपर पुलिस अधीक्षक नगर, वहां पे क्राइम इंचार्ज था। वहाँ बहुत सारे डकैतों का उनकी अटैक पब्लिक रिपोर्ट होता था, और ये उसकी वजह से हम लोगों को मतलब आम जनता को काफी तकलीफ थी। करीबन 175 डकैती नगर डिस्ट्रिक्ट में होती थी हर साल। तो ये इंसिडेंस इतना खतरनाक था कि हमारे कांस्टेबल को, जिन्होंने आरोपी को पकड़ने के लिए गया, उसको स्लॉटरिंग जैसा मतलब उसके 12 टुकड़े कर दिए। और इसमें अगर पुलिस का प्रमुख पीछे रहा तो हमारी पुलिस फोर्स का मॉरल डाउन हो जाएगा। हम लोगों ने फिर सामने आके, बोला मैं खुद सामने आता हूँ, सबने मिलके ये जो खतरनाक इंसिडेंस है उसको धैर्य से सामना करना है। तो उस धैर्य से प्रेरित होने के बाद में हमको बाकी का महसूस नहीं होता, भय महसूस नहीं होता, ना कोई धोखा महसूस होता। सर, आपने कहा, आपने जैसे कहा आप इंजीनियरिंग की डिग्री आप होल्ड करते हो, लेकिन आपने उस इंजीनियरिंग का भी यूटिलाइज पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी बखूबी से किया है। आपने खुद इन्वेंट किया है साइंटिफिक क्रिमिनल सर्च सिस्टम सॉफ्टवेयर और आप बिलीव करते हो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, जैसे आप हमेशा कहते हो, और उसको ही दिमाग में रखते हुए आपने क्रिमिनल एडॉप्शन स्कीम डटक गुनेगार योजना भी बनाई है। तो ये दोनों के बारे में हम थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे। देखो, एक हम लोग परंपरागत पुलिसिंग जो कस्टमाइज पहले से चलते आ रहा है उसी मुताबिक अगर पुलिसिंग करेंगे तो हम लोग बहुत पीछे रहेंगे, अच्छी तरह से समाज को सुरक्षा दे नहीं पाएंगे। हम लोग में एडवांस होना चाहिए, जितना भी अच्छा नॉलेज है जो टेक्नोलॉजी के लिए एडवांस नॉलेज है वो पुलिस में लेना चाहिए। और ये एडवांस नॉलेज का इस्तेमाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन और डिटेक्शन में करें। इससे प्रेरित होके हम लोगों ने पहले क्रिमिनल साइंटिफिक क्रिमिनल सर्च सिस्टम को उसको इन्वेंशन किया, और इट फाउंड्स वेरी यूजफुल। नगर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में उसको 100% रिजल्ट आया। हमारे डेकोटी या रॉबरी डिटेक्शन का या सीरियस ऑफेंस डिटेक्शन का परसेंटेज इट वाज अराउंड 95 to 99%। तो ये इसका इस्तेमाल से बहुत सारे पुलिस वाले हमको सजेशन मांगते हैं, इवन दूसरे जिले के लोग भी सजेशन मांगते हैं कि सर ये इसमें कौन हो सकता है। उसी टाइम जेजुरी में बड़ा हादसा हुआ था, 60-70 डकैत ने जेजुरी शहर जो फेमस रिलीजियस प्लेस है हम लोग वो लूट लिया था शाम को 7 बजे। उसका भी सजेशन हमको मांगा गया था, मैंने जो नाम दिए वही आरोपी निकले, और उनके पास से करीबन 5 किलो सोना और जेजुरी का जो लूटा था सुरे सुनार को और ये विलर्स को वो सब मिल। तो इस तरीके से वो साइंटिफिक क्रिमिनल सर्च सिस्टम का इस्तेमाल डिटेक्शन में काफी अच्छा तरह से हो सकता है। दूसरा जो है क्रिमिनल एडॉप्टेशन स्कीम, हर कोई बंदा जन्मजात क्रिमिनल नहीं होता, वो सिचुएशन रहती है या उसका साथीदार रहते हैं
उसके ऊपर जो संस्कार है वो सब उसमें कारणीभूत होता है, उसको उसका कारण बन जाता है। उस कारण के का उसको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक्सीडेंटली या सिचुएशनल फॉल्ट के कारण कोई क्राइम करते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचान के अगर उनके साथ में पुलिस लोगों ने अच्छा बर्ताव किया, उनको अच्छी तरीके से अपने समाज के जो नॉर्मल प्रवाह है उसमें लाया, तो उन्हें गुनेगारी छोड़ सकते हैं। और इट इज ऑल्सो थ्रेट टू दिस सोसाइटी। समाज का सिर्फ डंडा उठाने से या कानूनी कार्रवाई से पुलिस का काम नहीं चलेगा। मत परिवर्तन या उसका मानसिक परिवर्तन होना चाहिए, उसके मन परिवर्तन बहुत इम्पोर्टेंट। जो आदमी का अगर वो खुद अंदर से सुधर जाए तो समाज के लिए अच्छा। इस उद्देश्य से हम लोगों ने क्रिमिनल एडवोकेशन स्कीम का इस्तेमाल किया था। हर एक पुलिस कर्मचारी को 2 ऐसे गुनेगार जो मतलब एक या दो ऑफेंस कर चुके हैं उनको दिया था, और उनके साथ वहां जाके उनका वेयर अबाउट्स लेना, उसका फैमिली के बारे में पहचान जान जान लेना, और उसके एक एज अ फैमिली मेंबर करके उसको वो क्रिमिनल गुनेगारी स्वरूप का जो उसका वर्तन है उसको छोड़ने के लिए मजबूर था। ये हमारा काम था और ये बहुत अच्छा रहा। इसी कारण से नगर डिस्ट्रिक्ट में शिरडी और श्रीरामपुर 49 उन 50 सीरियस और बहुत खतरनाक डकैत वो पुलिस को सरेंडर हो गए फैमिली के साथ। वो बहुत अच्छा अचीवमेंट था पुलिस। ये और भी ज्यादा गर्व की बात हो जाती है सर आपके लिए, क्योंकि ये सारे स्कीम्स आपने बनाए हैं और वो आज तक चल रहे हैं। सर, हमने बॉलीवुड में ऐसे कई सारे मूवीज देखे हैं, दबंग, सिंघम, सिंभा, जहाँ पुलिस के किरदार को दर्शाया गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि असली जीवन में ये किरदार और वो किरदार कितना मिलता जुलता है। फिल्म जो है फिल्म स्टाइल से बनती है, रियलिटी जो है रियलिटी। एक्चुअल में फिल्म बनने के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड होना चाहिए, और फिल्म वाले भी जो समाज में जो चलता है जो घटनाएं होती है उसी का आधार लेके कोई राइटर लिखता है, उसी का आधार लेके कोई प्रोड्यूसर अपनी फिल्म प्रोड्यूस करता है, उसी का आधार लेके डायरेक्टर भी उसमें एक्ट हो जाता है। ये जो रहता है ये जो घटना घटती है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रहता है या समाज में अलग अलग टाइप का इसी टाइप का घटनाओं का प्रतिबिंब फिल्म में आता है। तो लेकिन थोड़ा बहुत उसमें फिल्म स्टाइल बोले तो मसाला विसाला सब लगा के वो थोड़ा अच्छा सब्जी बनाना है तो उसको एडिशन बहुत सारी चीजों का करना पड़ता है, इसी टाइप के होता है। सर, आपको 171 से ज्यादा रिवॉर्ड्स मिले हैं, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटरियस सर्विस 2007, यूएन मेडल फॉर पीस कीपिंग इन 2003 एज वेल एज इन 2004, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इंसिग्निया गोल्ड मेडल 2002 में मिला है, बेस्ट डिटेक्शन इन महाराष्ट्र फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ये अवार्ड निकला था और ये सर को मिला है इन 1998, बेस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन अवार्ड 2005, और मैं लिस्ट तो पढ़ नहीं सकती हूँ पूरी क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा। सर को इतने अवार्ड्स मिले हैं उनके काम के लिए। सर, काम जब हम करते हैं तो तनख्वाह तो काम की मिलती ही है, लेकिन जब हम अच्छा काम करते हैं और उस काम की सराहना ऐसे पुरस्कार से होती है तो आपको कितना मोटिवेशन मिलता है? 100% कोई भी आदमी काम करने के लिए, काम तो उसका फर्ज बनता है, काम करना उसका फर्ज। लेकिन जब उसकी जनता या आम आदमी उसके काम की प्रशंसा करता है तो उसको मोटिवेशनल 100% मिलता है और उसको एक ऊर्जा मिल जाती है जहाँ से और अच्छा काम करने के लिए वो प्रेरित होता है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये तो मानवीय स्वभाव है कि उसमें अगर आपको किसी ने आपकी प्रशंसा की तो आप अच्छे काम की तरफ दौड़ते भागते हैं। मैं तो एक पुलिस ऑफिसर एज अ ह्यूमन बीइंग तो 100% वो इट्स अ मोटिवेशनल थिंग फॉर मी। सर, व्हेन यू वर अ पार्ट ऑफ डायरेक्टर एनफोर्समेंट एंड विजिलेंस स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, वहां पर 10 महीने के अंदर ही आपने अलग अलग जगह पर स्टेट इतने रेड किए एंड यू डिटेक्टेड मोर देन 32,000 केसेस जो
रिकॉर्ड बना हुआ है आज तक का इन द स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट, और आज तक वो रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। तो जब आप ये स्टैंडर्ड हाई करते हो और ऐसे रिकॉर्ड बनाते हो, तो आपके जो जूनियर्स होते हैं वो आपको किस नजरिए से देखते हैं यार? उनके लिए ये कितना और कॉम्पिटिशन वाली बात हो जाती है? लीडरशिप जो रहती है, क्वालिटी लीडरशिप अगर रही तो बहुत सारे फॉलोअर्स जो है उनके लीडर के साथ में चले। और हम लोगों ने जो भी काम किया वो टीम वर्क से किया, मेरा डिटेक्शन होगा या केसेस का सुलझाना होगा या इन्वेस्टिगेशन, हम लोग सभी को टीम को एक अच्छा तरह से, और जब लीडर खुद उसमें एक्टिव बन जाता है, लीडर खुद खुद आगे आके काम करता है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो फॉलोअर्स है या सहयोगी कर्मचारी है उसके साथ चलते हैं, और जब सब सभी लोग साथ में आते हैं तो अच्छा काम हो जाता है। वो मेरा खुद का क्रेडिट नहीं, हमारे साथ में जिन जिन लोगों ने काम किया उनका भी क्रेडिट है। 100% वो 32,000 केसेस एक साल के अंदर करना नॉट अ जोक, और उससे स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू 2,000 करोड़ से बढ़ गया था। आई एम वेरी प्राउड टू से अबाउट दैट। यस सर, मैंने उस पे एक क्वेश्चन लिखा था, वही मैंने ये किया था कि जब हम नॉर्मल ऐसे प्रोफाइल पढ़ते हैं क्वेश्चंस बनाने के लिए, तो मेस्मराइजिंग वर्क होते हैं पुलिस डिपार्टमेंट के और हम उस पे क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन आपके इसमें जब मैंने पढ़ा तो व्हाट हुक माय आईज वाज स्टेट का रेवेन्यू एक आईपीएस ऑफिसर और उनकी टीम के जरिए से 2,500 करोड़ से बड़ा था, एंड इट इज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर द स्टेट, एंड वो आप लोगों के जरिए से बड़ा था, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा जानना चाहेंगे। हाउ वाज दैट पॉसिबल? और जो भी जैसे कि अभी डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और विजिलेंस एक्साइज का जो काम है, जैसे कि इलीगल जो शराब या दारू बाहर के स्टेट से आती है उनको रोकना, और अपने स्टेट में जो भी इलीगल इलिसिट लिकर बिजनेस जो चल रहा है उसको बुरी तरह से तोड़ना, ये दोनों काम एज ए डायरेक्टर विजिलेंस करके मेरा था, और हम लोगों ने सभी जो ऑफिसर्स है उनको इन्वॉल्व करके वो काम कर रहे हैं। तो इसका नतीजा ये हुआ कि 2,500 करोड़ से रेवेन्यू राज्य का बढ़ गया, और इट इज ऑन रिकॉर्ड, उस टाइम का वो रिकॉर्ड रहा। सर, आपका एक ड्रीम था दैट यू वांट टू ओपन द बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर इन महाराष्ट्र, और वो पॉसिबल, वो ड्रीम पूरा भी हो गया है, आपने वो कर दिखाया है, क्योंकि आपको आप दिन में 14 से 16 घंटे इस ड्रीम के पूरे होने के लिए काम करते थे। तो हम जानना चाहेंगे कि बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के प्रति आपका ड्रीम क्या था और वो कैसे पूरा हुआ? मेरा पोस्टिंग एकाएक अकोला का जो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है वहां पे प्रिंसिपल करके, इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। वहाँ पे उस मेरे पहले जाने के पहले दो तीन ऑफिसर ने वो रिजेक्ट करवा दिया था, उनकी ट्रांसफर उन्होंने कैंसिल करवाई थी। ये पर्सन में मेरा वहाँ पे प्रिंसिपल करके अपन, तो आई टेकन इट एज अ चैलेंज। जहाँ ब्लैक बैकग्राउंड होता है वहाँ पिक्चर बहुत सुंदर आती है, और वो समझ के हम लोगों ने, मैंने जब स्टार्ट किया वो पीटीसी का काम शुरू करना, उस टाइम में बहुत सारे ऑफिसर जो मेरे को मिलने आए, तो मैंने सबको पूछा कि तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, मेरे को ये करना है, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है वो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर इन महाराष्ट्र करना है। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ने मेरी तरफ हंस के देखा, थोड़ा सा उनको उनका रोग अलग था, लेकिन फिर भी मैंने सबको बोला कि आपको कुछ तकलीफ रहा तो मुझे बता। तो मेरा जो डायरेक्शन था, जे मेरे काम करने की जो सिस्टम थी, उनको पता चले कि अभी ये बंदा कुछ ना कुछ अपने को काम पे लगा है, तो उसमें से 50% लोगों ने बोला मुझे हार्ट ट्रबल है, डायबिटीज है, मैं चल नहीं सकता, मैं ये नहीं कर सकता। कुछ लोगों ने बोला इसलिए तो मैंने साइड ब्रांच लिया है, पीटीसी करके चूज करवाया। बोला ठीक है, आप नहीं कर सकते नो प्रॉब्लम, सिर्फ मेरे साथ में रहिए, मैं जहां जहां जाता हूँ वहां मेरे साथ दीजिए, मेरे साथ में रहिए। तो पहले हम लोगों ने धीरे धीरे से काम शुरू कर दिया, उसमें जितने भी हमारे ट्रेनिंग बच्चे थे, रिक्रूट्स थे, उनको भी उसमें इन्वॉल्व कर दिया, और एक एक तरफ से 48 प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने, उसमें डिजिटलाइजेशन होगा, डिस्टेंस लर्निंग होगा,
उसमें बहुत सारा मतलब ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स हो गए, कुछ अच्छा सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हमारे चाइनीज ने करीबन 450 झाड़ को कट्टे बनाए, 9,000 झाड़ वहां पे लगा दिया। वो गवर्नमेंट से और हमारे जो सीनियर ऑफिसर, सीनियर कार्यालय डायरेक्टर जनरल उनके साथ में हम लोगों ने अच्छे से कुछ प्रस्ताव भेजे, उनको मान्यता ली और 1,25,000 स्क्वायर फुट का बांध था वहाँ पे। वो जो ट्रेनीज थे उनको रहने के लिए अच्छे रूम्स नहीं थे, वो बैरक में रहते थे और वो ब्रिटिश जमाने की बैरक्स थी और 45 डिग्रीज में काम करना या रहना बड़ा मुश्किल है। वो इस तरह का वो प्रॉब्लम था। तो 400 लोगों का हॉस्टल हुआ, उसके बाद में बहुत बड़ा सुंदर मेज बना दिया, उसके बाद में उनके लिए जिम्स, ओपन जिम्स वगैरह बनाए, गार्डन्स बनाए, लॉन्स बनाए। जहाँ पानी का कम था तो हम लोगों ने वाटर हार्वेस्टिंग किया, वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी का करने के बाद में जब मैं वहां से निकला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज नहीं, हम लोगों ने वो उनके अंदर ये शक्ति पैदा कर दी कि अपन को एक अच्छा पुलिस बनना है तो उसके लिए जो भी चाहिए, कानूनी जानकारी तो चाहिए चाहिए, लेकिन एक अच्छा सा आदमी बन के तुम बाहर निकलो ताकि आदमी को पहचान सके। आदमी को पहचानने के लिए जो उनके इसमें स्किल चाहिए और हम लोगों ने वहां पे दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा ट्रेनिंग सेंटर जो बेस्ट ट्रेनिंग सेंटर करके उसका सिलेक्शन हुआ और मुझे डायरेक्टर जनरल ऑफिस से भी लेटर मिल गया कि यू आर द बेस्ट प्रिंसिपल एंड आपका ट्रेनिंग सेंटर सबसे उत्कृष्ट और सबसे अच्छा ट्रेनिंग और आपके सेंटर। सपने भी पूरा हो गया। इतनी बात थी हमारे सभी लोगों की। और उसमें लास्ट ईयर का प्राइम मिनिस्टर अवार्ड भी ट्रेनिंग सेंटर को मिला। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट सर कि मतलब आप आपके काम के साथ आपने ये सारी चीजें भी इसको भी इतना इम्पोर्टेंस दिया और आज वो सपना पूरा हो गया। अकोला का पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बेस्ट पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। सर आपने इतने सारे कठिन से कठिन कार्य किए हैं और इतने सारे अलग अलग डिपार्टमेंट में आप रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐसा कोई एक सबक या सीख आपको आपके काम से सीखने को मिली हो जो आपके साथ जिंदगी भर याद रहेगी। कोई भी कठिन काम हो तो अपने साथीदार अपने साथ में चाहिए, इसके लिए जो टीम वर्क जो है उस और टीम वर्क के साथ में हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, कितना भी कठिन काम हो या कितनी भी समस्या हो उसको उलझा सकते हैं। दूसरा, खुद इनिशिएटिव लेकर अगर लीडर काम करे तो ऑटोमेटिक जिसका काम करने की इच्छा नहीं, उम्मीद नहीं, वो भी आदमी आपके साथ में। दो चीज बहुत इम्पोर्टेंट। और तीसरा जो है, आप आदमी को पहचान, सामने वाला जो है वो बाय नेचर वो गुनेगार नहीं रहता, या सामने वाला जो बात करता है उसका जीवन में क्या क्या घटनाएं घटी है उसको अगर समझा के लिया तो एक अच्छा पुलिस ऑफिसर करके समाज में उसकी प्रतिमा बढ़ सकती है। सर आकांक्षा अनलिमिटेड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज की युवा पीढ़ी को मोटिवेट करने के लिए लोगों को बुलाता है और आपकी जैसी हस्ती हमारे साथ आई है। और मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि आज की युवा पीढ़ी में भी एक खाकी वर्दी का सपना होता है और जब वो आप जैसे लोगों को देखते हैं तो आपको रोल मॉडल मानते हैं और आप जैसा बनना चाहते हो। तो माझा साम्राज्य के आकांक्षा अनलिमिटेड के इस प्लेटफॉर्म से उन युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहोगे? जो भी ध्येय है उसको पहचान लो और ध्येय की तरफ बढ़ने के लिए जो मेहनत चाहिए वो करना चाहिए। और उन्होंने मन में जब तक वो ध्येय की पूर्ति नहीं होती तब तक वही सपना छोड़ना नहीं चाहिए, दिन रात वही सपना देखना चाहिए और उसके पीछे कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, सातत्य जो बोलते हैं। वो अगर कंसिस्टेंटली काम करेगा तो कोई भी काम 100% सक्सेसफुल होता है। और युवा पीढ़ी को करने के लिए बहुत कुछ है, समाज में काम नहीं ऐसा जो बोलता है ना वो मुझे नहीं लग मुझे अच्छा नहीं लगता। काम बहुत है करने के लिए, अपना उम्मीद और अपना हौसला बढ़ाना चाहिए, यही की तरफ बढ़ने के लिए
हम लोगों ने अगर ये युवा पीढ़ी ने अगर मेहनत करके आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा उनके लिए, उनका खुद का करियर बन सकता है, समाज भी अच्छा हो सकता है। सर, हमारी ऑडियंस की तरफ से और मेरी तरफ से हम ये पूछना चाहेंगे कि आगे कोई ऐसी किताब है जो और पब्लिश होने वाली है आपकी तरफ से, जिसका काम अभी भी चालू है? और एक सत्य का खोज, मराठी में सत्य का शोध, एक पुस्तक नवाजा नवीन वो आ रहा है। और दूसरा मैं हिस्टोरिकल बुक भी लिख रहा हूँ, उसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में जो जितने भी युद्ध नीति हो गई उसमें बहुत अच्छा युद्ध कौशल्य जिसका था, और जिसने अपने शत्रु को 10 साल हैरान कर दिया, 20,000 की फौज लेके 5.5 लाख फौज का मुकाबला किया, वो संताजी घोरपड़े करके उसका किताब में लिखा, वो गनिमी कावा के अध्य सर सेनापति है, उन्होंने बहुत अच्छे तरह से शत्रु से मुकाबला किया। वो किताब लिखने की कोशिश जारी है, अभी कुछ दिनों के बाद में वो कंप्लीट। ऑल द बेस्ट सर फॉर योर बुक्स। और अंत में मैं आपको यही पूछना चाहूंगी कि माझा साम्राज्य के साथ, हमारे साथ, आपका वैल्यूएबल टाइम स्पेंड करके आपको कैसा लगा? मुझे ये माझा साम्राज्य और अनलिमिटेड आकांक्षा, उसमें उसके नाम में बहुत बहुत कुछ है। आपकी आकांक्षा अनलिमिटेड होना चाहिए हर आदमी की, आपके जो चैनल की ये अनलिमिटेड आकांक्षा, और आप युवा पीढ़ी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे जैसे अधिकारी जन हैं जिनके अनुभव का समाज को और युवा पीढ़ी को उपयोग हो सकता है, उसका अच्छी तरह का उनको मोटिवेशन मिल सकता है। इसी तरह से आप लोग मतलब अच्छा ध्येय लेके ये काम कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि ये दिस इज बेस्ट वर्क आप लोग जो कर रहे हैं, और आकांक्षा अनलिमिटेड और माझा साम्राज्य को मेरा मेरी हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत अच्छा काम करते रहो, और निश्चित तरह से समाज के लिए आप लोग अच्छा सहयोग आप लोग जो दे रहे हैं प्रशंसनीय है। सर, आप लोग जैसे इंसान हैं इसीलिए आकांक्षा अनलिमिटेड चलता है, एंड आपने हमारे लिए इतना, आपका वक्त इतना कीमती है हम जानते हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारे लिए, देश की युवा पीढ़ी के लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने अवार्ड्स और जो काम आपने किए उसके लिए माझा साम्राज्य की पूरी फैमिली की तरफ से मैं आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, और हम आशा करते हैं कि आपका अच्छा काम ऐसे ही हमेशा चलते रहे। गुड विशेस फ्रॉम माझा साम्राज्य फैमिली, एंड थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विद अस सर। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम नवी मुंबई, डॉक्टर एंड आईपीएस ऑफिसर बीजे शेखर सर। आज का आकांक्षा अनलिमिटेड का ये एपिसोड यही समाप्त होता है, और नए एपिसोड आने के लिए और देखने के लिए स्टे ट्यून्ड विद माझा साम्राज्य। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस।